हाई एवरीवान वेलकम टू माई चैनल आज हम समझेंगे हाईपोथिसिस टेस्टिंग ये होती क्या है एंड दिस इज वन ऑफ माई ओन फेवरेट टॉपिक्स एंड आज मैं उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर के एंड तक ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा टॉपिक और ये वीडियो किन के लिए है फॉर द वंस हुआ प्रिपेयरिंग फॉर यू जी सी नेट एग्जाम जो रिसर्च करना चाहते हैं या तो जो अभी भी कर रहे हैं एंड फॉर एनी वन हु विशेज टू एक्वायर नॉलेज दिस वीडियो इज़ फॉर यू So for the ones who are new to my channel, I want you to know a little bit about me. My name is Rima Nair. I qualified my UGC net exam two times. I also got my GRF with All India ranked 38th in commerce this year only in 2020. and if you wish you can join my telegram channel. the name is Rima Nair. okay? Let's begin with the topic. आज हम क्या पढ़ेंगे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पूरी सीरीज में पढ़ेंगे आज है पार्ट वन पार्ट वन में हम समझेंगे पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हाइपोथिस क्या होता है इसकी डेफिनेशन को भी समझेंगे वाई डू वी हैव टू डू दिस टॉपिक इंपॉर्टेंस राइट एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथिस सो दीज थ्री पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन टू डे वीडियो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन ओके हाइपोथेसिस जब भी अगर आपने कभी पढ़ा है पहले या आप जब भी पढ़ेंगे तो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपको समझ आ जाएगा टॉपिक जैसे आपने कोई वीडियो देख ली आपको उस टाइम के लिए समझ आ जाएगा या आपने कंटेंट पढ़ लिया आपको आ जाएगा समझ क्योंकि ये मुश्किल नहीं है लेकिन जब आपसे कोई दो महीने बाद सवाल पूछेगा कि व्हाट इज हाइपोथेसिस तो ये नाम ही आ, अपने में काफी टेक्निकल सा है तो विल बी इन अ पोजिशन कि मुझे इस नाम का अगर मुझे मतलब पता होता तो आई बी एबल टू आंसर कि हाँ हाइपोथिस होता क्या है उसके विद इन कौन से पॉइंट्स आते हैं राइट सो टूडे माई फोकस इज टू हेल्प यू नो डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हाइपोथिस इट हैज बीन रिलेटेड विद वन वर्ड दैट वी हैव बीन ह्यरिंग क्वाइट मेनी टाइम्स इन आर स्कूल लाइफ्स कॉलेज लाइफ्स हमारी टीचर्स ने हमें बोला होगा ना कि आप एक इमेजनरी सिचुएशन को सोचिए इस इमेजिनरी सिचुएशन को टीचर्स कभी कभी बोलती थी आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करिए ठीक है हाइपोथेटिकल सिचुएशन लुक इट इज अ वेरी ट्रिकी वर्ड तो अगर किसी ने नहीं भी सुना तो आज आपने सुन लिया इसका मतलब होता क्या है इमेजिनरी हाइपोथेटिकल मतलब वो सिचुएशन जो आपने सोची है जरूरी नहीं है कि वो सच हो सच हो भी सकती है सच नहीं भी हो सकती ठीक है एंड इट इज बेस्ड ऑन वॉट सिंस इट इज एन इमेजिनेशन इमेजिनेशन किसी पे बेस्ड होती है इट इज बेस्ड ऑन सम पॉसिबल आइडियाज और सिचुएशन कि हाँ हो सकता है वैसा हो उसके आधार पर मैंने एक अजम्पन सोच ली है राधर दैन द एक्चुअल क्योंकि अभी हमें सच्चाई का पूरा नहीं पता सो ऑन द बेसिस ऑफ सम लिमिटेड एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ सम लिमिटेड एविडेंस वी हैव गेदर्ड सम इन्फॉर्मेशन और उसको आधार पर रख के हमने एक कोई इमेजनरी सिचुएशन सोची है दैट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन और हाइपोथिस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथिस इट इज मोर लेस सेम लाइक द मीनिंग बट रिप्लेस्ड विद सम फैंसी वर्ड्स

ठीक है आपने ये एजम्पन बनाई है जो आप मान लेते हैं कि सच है आपने कोई रिसर्च करनी है ठीक है रिसर्च में आप इनिशियली एक ऐसी एजम्पन बना लेते हैं जो आप मान लेते हैं कि सच है जैसे आपने माना है बिकॉज इट मस्ट एविडेंस आपने उस पर पूरी रिसर्च नहीं करी कुछ टॉपिक्स पे रिसर्च करी है तभी आपने माना है जब आप पूरी रिसर्च कर लेंगे तो वो तो एक कंक्लूजन के फॉर्म में आपके पास आएगी राइट सिंस इट इज बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस इट इज़ अज्यूम्ड टू बी ट्रू बट वाई डू वी डू इट क्यों करते हैं फॉर पर्पज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और एन इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च और राइट लेट्स टेक वन एग्जाम्पल आप अपने को एक पुलिस ऑफिसर समझिए और आपने एक चीज़ आपने हाइपोथेसिस बनाया आपने कोई चीज़ एज्यूम करी है दैट देयर इज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ ए ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम आपने ये सोचा है आपने एज्यूम किया है कि एक पर्सन है ए जिसने क्राइम किया होगा जब आपने सोची है इतनी बड़ी चीज तो मतलब आपके पास कुछ एविडेंस होगा इट इज बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस एंड इट इज़ एज्यूम्ड टू बी ट्रू ठीक है और किसके बेसिस पे ताकि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकें ठीक है ये होती है डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस आई विल रिपीट अगेन सो दैट आपके माइंड में आज ही चली जाए इट इज एन अजॉम्पन और अ टेंटेटिव स्टेटमेंट विच इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस फॉर वॉट फॉर द दर्पज ऑफ आर्ग्यूमेंट और इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च ठीक है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट वाई डू वी नो वाई डू वी नीड टू डू दिस टॉपिक ठीक है प्रीवियस एग्जाम्पल को ही आधार लेके हम समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस जैसे आपने सोचा या आपने एज्यूम किया दैट देर इज अ पर्सन ए हु कमिटेड अ क्राइम तो उससे क्या होगा इट विल गिव डायरेक्शन टू योर रिसर्च आप एक पुलिस ऑफिसर हैं आपने अपने माइंड में रखा कि हाँ हो सकता है इस पर्सन ने क्राइम किया है तो उसके बेसिस पे यू विल गेट अ डायरेक्शन कि हाँ मुझे किस डायरेक्शन में जाना है वो आप मान लेते हैं ठीक है इट गिव्स अ डायरेक्शन टू योर रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ़ फ़्यूचर इन्वेस्टिगेशन ओके एंड इट हेल्प्स इन गिविंग अ कंक्लूजन टू द रिसर्च सिंस आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी है आप इसमें जा, जाते जाएंगे जाते जाएंगे यू विल बी कलेक्टिंग फैक्ट्स इंस ठीक है At the end, you'll have a conclusion with you. तो आप decide करेंगे क्या 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 जो मैंने hypothesis बनाया था, वो वो सच है, क्या वो सच नहीं है, है? है? नहीं ये last के decisions होते हैं, ठीक है? पहले तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी उसके बाद ये हेल्प इन गिविंग द कंक्लूजन टू रिसर्च वेदर वी हैव टू एक्सेप्ट द to और डू वी नेक्स्ट It also acts as a basis to provide reliability and validity of research. What is reliability? Reliability is connected with consistency. Okay. And validity is concerned or connected with accuracy. This question can also be asked. Next point it brings clarity and specificity to your research. आई एल गिवान एग्जाम्पल या अगर हम इसी को भी कंटिन्यू करें जैसे देर इज अ पर्सन ए स्पेसिफिक पर्सन एज कमिटेड अ क्राइम सो इट गिव यू मोर क्लैरिटी रादर देन वेग टर्म्स एट समेरी इम्पॉर्टेंट मेकिंग अपोथिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्चिस कैसे हिस्टोरिकल रिसर्च होती है ऑन विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स जो पास्ट में कुछ घटनाएं घटी थीं उस पर जो रिसर्च होती है उसमें हाइपोथेसिस की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज हाइपोथेसिस एक अजम्पन है और हिस्टोरिकल में हम कोई अजम्पन नहीं लेते बिकॉज हमारे सारे फैक्ट्स हो चुके हैं पास्ट में ओके सो दिस वॉज द इम्पोर्टेंस दैट वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दाइपोथिस लेट्स मूव अ विद द टाइप्स

एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा इनका रिलेशन जब बताया जाता है तो वो होता है हमारा सिंपल हाइपोथेसिस एग्जाम्पल लेते हैं ऑप्टिमिज्म कीप्स माइंड हेल्दी ओके ये एक वेरिएबल है ये एक वेरिएबल है ओके ऑप्टिमिज्म इज़ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है और इसका इफेक्ट किस पे हो रहा है कौन सा वेरिएबल डिपेंड है इस पे माइंड सो देर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल ओके अब जो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है ये इसका नेक्स्ट लेवल है इट टॉक्स अबाउट रिलेशन बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑप्टिमिज्म one independent variable balanced diet second independent variable and exercise third independent variable all these three things keep our mind one dependent variable and body second dependent variable healthy so here we have two or more dependent and independent variables that is why it is called complex hypothesis and it is next नेक्स्ट स्टेप अड ऑफ सिंपल हाइपोथिस ओकेट्स एम्पेरिकल हाइपोथिस इट इज वन विच इज बेस्ड ऑन एविडेंस सबूत ऑब्जर्वेशन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट जो आपने किया है ठीक है याद करिएगा ई फॉर एम्पेरिकल ई फॉर एक्सपेरिमेंट ई फॉर एम्पेरिकल ई फॉर एविडेंस ऑब्जर्वेशन आपको याद करना है इसका एग्जाम्पल लेते हैं

इट इज द वन दैट कैन बी स्टैटिस्टिकली वेरीफाइड हाउ फॉर एग्जाम्पल इन वी हैव टू नो अबाउट वट वॉज द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी स्टैटिस्टिक्स इन वॉल्व फिगर्स तो आपको पता चल जाएगा कि दो लाख लोग या तीन लाख लोग या जितने भी आपके पास एक नंबर आ जाएगा एक स्टेटिस्टिक्स आ जाएंगी कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे कौन से ईयर में टू थाउजेंड ट्वेंटी में

दो वेरिएबल्स कोई भी ले सकते हैं आप रेन और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बारिश जितनी ज्यादा होगी बहुत ज्यादा नहीं लिमिट में जितनी अच्छी होगी बारिश उतना ही हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छा होगा ओके नेक्स्ट इज़ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये एक डायरेक्शन देता है आपकी स्टडी को देखते हैं कैसे पहले इसका मतलब देखते हैं इट द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट and the independent variables. let's understand this by example. better instructional methods in class lead to better students and under, uh, understanding or learning, whatever. So, तो जितने अच्छे हमारे instructional methods used होंगे, उतनी ही अच्छी positive हमारी क्या होगी student की learning. तो so, ये एक direction दे दी गई है कि मतलब उतनी ही अच्छी ओके okay, अब देखते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है इट डज नॉट प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या एग्जांपल है इसका एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन कैसे इफेक्ट करता है स्टूडेंट की लर्निंग पे हमें नहीं पता क्या उनका रिलेशन बहुत अच्छा है क्या उनमें बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है क्या टीचर स्टूडेंट के डाउट्स को टाइमली सॉल्व करती हैं क्या उनके डाउट्स को रिस्पेक्ट देती हैं क्या स्टूडेंट टीचर्स के एक्सप्लेनेशन को रिस्पेक्ट देते हैं दिस इज स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप हमें नहीं बताया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हमें यह भी नहीं पता कि उनकी जो लर्निंग है स्टूडेंट्स की दैट विल बी इन विच डायरेक्शन सो वी डोंट नो अबाउट दिस दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथिस नाउ वो दो टाइप्स जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिनकी आंखें आपकी आंखें जिनका इंतजार कर रही थी नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है ये इससे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं आई वॉन्ट टू गिव यू अ केस और उस केस से ही हम दोनों हाइपोथेसिस निकालेंगे सो दैट आपको समझ आए कि यह होता क्या है राधर देन रट्टाफिकेशन की हाँ जी वॉट इज द डेफिनेशन ओके लेट्स अंडरस्टैंड द केस द केस इज आपको पता है कि एक कार की मीन लाइफ एवरेज लाइफ मीन लाइफ मीन एवरेज लाइफ एक कार की बीस वर्ष है ठीक है आपने एक सैंपल ये ये वो चीज है जो लोगों ने मानी है कि एक कार की वर्ष एवरेज लाइफ दैट इज ट्वेंटी इयर्स, आपने एक सैंपल लिया उसके आधार पर आपको ये पता चला कि कार की लाइफ तेईस साल है इट इज ट्वेंटी थ्री ईयर्स ये वो चीज है जो आपने मानी है एक सैंपल को सिलेक्ट करके तो नल हाइपोथेसिस वो होता है जो लोग मानते हैं ये बात ध्यान रखना आपको शायद ही कहीं सुनने को मिले नल हाइपोथेसिस वो होता है जो लोग मानते हैं और नल का ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वो होता है जो आप मानते हैं जो एक रिसर्चर मानता है अब नल हाइपोथेसिस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इट इज लाइक दिस एच नोट कह सकते हैं इसको एच जीरो कह सकते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम इधर एच वन और एच ए ठीक है अल्टरनेट तो इधर वेज राइट अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एक फॉर एक स्टेटमेंट uh, में डाल के एक इस इक्वेशन में डाल के इसको कैसे करेंगे ओके सो दिस वन इज नल हाइपोथेसिस ये जो ये है दैट इज म्यू ये पॉपुलेशन मीन होता है पॉपुलेशन के मीन को म्यू बोलते हैं राइट इट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी हाँ ये तो सबने लोगों ने माना है ये है हमारा नल हाइपोथेसिस अब जो मैं रिसर्चर क्या बोल रहा हूं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो पॉपुलेशन का म्यू है दैट इज मोर देन ट्वेंटी वो तेईस है वो बीस नहीं है दैट इज मोर देन ट्वेंटी ये ऑल्टरनेट है ये वो है जो मैं मान रहा हूं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया है कि इनका मतलब क्या है अब हम इसका डिफरेंस जानते हैं सो दैट जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर हो जाएं। हाँ जी नल हाइपोथेसिस इट इज ऑल्सो डिनोटेड विद दिस साइन एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इसके कई नाम हैं ये एग्जाम्स में आ चुके हैं आप लिख लीजिए कहीं इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टरनेट हाइपोथिस रिसर्च हाइपोथिस स्टेटिस्टिकल हाईपोथिसिस और सबस्टैंडिव हाइपोथिस इट इज डिनोटेड विद एच वन और एच ए ठीक है अब हां जी, नल हाइपोथेसिस क्या बताता है इट स्पेसिफाइज दैट नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स ठीक है हमने यहाँ पढ़ा दैट देर यहाँ पे जब हियर वी हैव इज इक्वल्स टू साइंड मतलब कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सेम है है पॉपुलेशन का जो मीन है और जितना आया है हमारा उनमें कोई अंतर नहीं है देर इज नो डिफरेंस ओके सो इट स्पेसिफाइड इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स वेयर एज अल्टरनेट हाइपोथिस स्पेसिफाइज दैट देर इज अ डिफरेंस ठीक है दैट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स हैव अ एग्जाम्पल ओके सो द एग्जाम्पल इज नॉट डूइंग एक्सरसाइज ल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द लाइफ स्पैन ये इमेजिन करिए ऐसा ये पूरे पॉपुलेशन ने माना है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके लाइफ स्पैन मतलब आपकी जितनी उम्र है उसमें कोई फर्क नहीं पा ओके okay? लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथिस जो आप एज ए रिसर्चर समझ रहे हैं और जो आप मानते हैं नॉट डूइंग एक्सरसाइज विल रिड्यूस आर लाइफ स्पैन बाई टेन ईयर्स ठीक है ये वो है जो आप मान रहे हैं ये एक एग्जाम्पल है सो दिस इज द वन विच पॉपुलेशन थिंग्स दैट इज वाई रिसर्चर ट्राइज टू रिजेक्ट इट ठीक है एंड दिस इज समथिंग विच द रिसर्चर एज्यूम्स टू बी ट्रू दैट इज वाई रिसर्चर ट्राइज टू एक्सेप्ट इट ओके एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथिस विल कॉज नो चेंज इन ओपिनियन लोगों का ओपिनियन नहीं बदलेगा क्योंकि उनका वही ओपिनियन था शुरू से जो चलता आ रहा है वो ही चलता रहेगा उनके ओपिनियन में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन जब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हम मान रहे हैं और जो पूरी पॉपुलेशन अब मानने वाली है जब वो एक्सेप्ट हो जाए दैट विल कॉज चेंज इन ओपिनियन ठीक है एक और चीज इन नल हाइपोथेसिस इफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू अगर वो सच हो जाता है देन अगर फिर भी कोई डिस्क्रिपेंसी है हमारे दोनों वेरिएबल्स में तो इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि वो बाय चांस डिफरेंसेस आ गए हैं बाय चांस ठीक है ऐसे ही रैंडमली लेकिन अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस सच हो जाता है इट मींस दैट द डिफरेंस और द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन टू वेरिएबल्स वॉज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द रियल इफेक्ट ठीक है जैसे इसके एग्जाम्पल में आप देखिए जब लोग मान रहे थे कि हमारा एक्सरसाइज और लाइफ स्पैन ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं ठीक है दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल एंड दिस वन इज द सेकेंड इसमें कोई अंतर नहीं है अगर कोई अंतर आता है नल हाइपोथिस एक्सेप्ट होने में तो उसमें सिर्फ बाई चांस ही रैंडमली एरर्स आते हैं लेकिन जब इनमें सच में कोई अंतर आता है मतलब जब हमारी बात ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मानी जाती है जब ये अज्यूम होता है कि ये ट्रू है तो अगर इन दोनों में कोई फर्क आता है इसका ये मतलब होता है इट इज रिजल्ट ऑफ ड्यू टू द रियल इफेक्ट द रिसर्च दैट वी हैव डन ओके okay. तो आज की क्लास में हमने पढ़ा छोटी सी क्लास थी हमने पढ़ा हाइपोथेसिस क्या होता है उसकी डेफिनेशन को हमने समझा एग्जांपल्स के साथ साथ में हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी कि हाँ क्यों पढ़ना है ये टॉपिक और टाइप्स पढ़ी बहुत सारी टाइप्स पढ़ी अच्छे से समझा नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथिसिस इनका भी डिफरेंस पढ़ा उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी कुछ आपको नया सीखने को मिला कुछ अच्छा सीखने को मिला अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को उन तक भी पहुंचाइए जिनको ये टॉपिक समझना है और जिनको प्रॉब्लम आती है टॉपिक को समझने के लिए सो विथ दिस थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर टेक केयर बाय बाय